आइए भूले हुए इतिहास को दोबारा जीते हैं और चलते हैं भारत के सबसे पुराने किले कांगड़ा किले में। इतना पुराना कि माना जाता है ये महाभारत काल में बनाया गया। महाभारत काल, जी हाँ, अब हम दशकों व शतकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिव्य युग की, हजारों साल पुराने इतिहास की। हिमालय की मनमोहक दृश्यों से घिरा, शिमला से करीब 230 किलोमीटर दूर मांझी और बाणगंगा के संगम के सामने खड़ी एक सीधी तंग पहाड़ी पर बना है कांगड़ा किला। महाभारत काल में राजा सुशर्मा चंद का वर्णन है कि वो कौरवों की ओर से लड़े थे, उनके बेटे ने कांगड़ा किले की स्थापना की। फैगस का नाम सुना है, वही पोरस जिसने करीबन 2300 साल पहले मेसिडोनिया के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट से युद्ध लड़ा था। मानते हैं कि यहाँ के हजारों साल पुराने राजवंश के अनेक प्रसिद्ध राजाओं में वो भी एक था। राजा परमानंद चंद को अलेक्जेंडर ने फेगस कहा और फेगस बदलते बदलते पोरस हो गया। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त कांगड़ा किले में, जो हिमालय क्षेत्र का सबसे पुराना किला है और यहाँ पर कटोच वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। पोरस और सिकंदर की लड़ाई सबने सुनी है, ये किला उसी वंश से रिलेटेड है। और इस पे कब्जे के लिए ना जाने कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया, महमूद गजनी आक्रमण कर किया और बहुत सारा यहाँ से धन संपदा लूट के गया। वो उत्पी इतिहासकार जो उसके साथ में आया था, उसने वो प्रत्यक्षदर्शी बना और अपने अकाउंट्स में उसने यहाँ का वर्णन किया है। मुगलों ने बहुत कोशिश की इस किले पर विजय पाने की और अंततः जहांगीर को वो सफलता प्राप्त हुई, जिसके याद में यहाँ पर जहांगीर ने उसका जश्न मनाने के लिए दरवाज़ा बनवाया है, जिसको जहांगीरी गेट कहते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सिर्फ घूम के मत जाइएगा, गेट पर यहाँ पर आपको एक ऑडियो गाइड मिलेगा, ये मैंने लिया है, ये आपको रिकॉर्डेड जानकारी मिलेगी यहाँ पर और इसके साथ में आपको ये मैप मिलेगा। इसमें बताए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको मूव करके जाना है और बिल्कुल भव्य जीवंत हिस्ट्री यहाँ की आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, जान समझ सकते हैं। सन 1905 में आए एक भूकंप में इसकी मोटी दीवारें टूट गईं। इस भूकंप में हजारों लोगों की मौत हुई थी, पर हमारे सामने जो बचा है वो अब भी एक अविश्वसनीय कहानी बयां करता है। किले में प्रवेश करने पर कई द्वारों से गुजरना पड़ता है, कोई भी द्वार दूसरे द्वार की सीध में नहीं बनाया गया है। ऐसा इसलिए कि प्रवेश करते समय दुश्मन अपने आप को लामबंद न कर सके। यदि कोई प्रवेश द्वार से अंदर आंगन में एक पल भी ठहरता तो ऊपर से तीर कमान वाले योद्धा आक्रमण कर देते थे। दुश्मन जिसने इस बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली को तोड़ा वो था महमूद गजनी। महंगे पत्थरों व सोने की चर्चा सुनकर 1009 ईस्वी को चोरी छिपे उसने किले पर आक्रमण कर दिया था। महाराज इस वक्त किसी और लड़ाई में उलझे हुए थे। लूटा हुआ माल इतना ज्यादा था कि ऊँटों पर लादना व बक्सों में भरा जाना मुश्किल हो रहा था और ना ही गणितज्ञ उसका अनुमान लगा पाए। कांगड़ा किले पर विजय की खुशी में जहांगीर ने इस गेट का निर्माण करवाया। इस किले पर कब्जे के लिए मुगल शासक कई वर्षों तक तरसते रहे। जहांगीर की डायरी के अनुसार जब से इस्लाम हिंदुस्तान पहुंचा तब से कोई भी बड़ा सुल्तान इस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। 1620 ईस्वी में 14 महीनों तक चलने वाले भीषण युद्ध के बाद जहांगीर की सेना ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। ये किला सदियों तक दुश्मनों के हाथों में रहा। आखिरकार महाराजा घमन चंद के पोते बालक महाराज संसार चंद ने इस किले को 1787 ईस्वी में मुगलों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी और अगले 20 वर्षों तक वो यहाँ शासन करते रहे। वो दौर इतिहास में कांगड़ा का स्वर्णिम काल के नाम से दर्ज है। एक अनुमान के अनुसार उन्होंने 32,000 वर्ग किलोमीटर की सीमा में अपने राज्य का विस्तार किया था और इसे कला का एक बेहतरीन केंद्र बनाया था।
ये अंबिका माता का सबसे प्राचीन मंदिर है और ये गोल तश्तरीनुमा पत्थर मंदिर के शिखर के अवशेष हैं। देवी अंबिका देवी दुर्गा की एक रूप मानी जाती हैं और उनकी पूजा अर्चना कई दूसरे रूपों में भी की जाती है। पार्वती के रूप में वे भगवान शिव की पत्नी बनी तो देवी काली के रौद्र रूप में भी आई और दानवों का संहार किया। इस मंदिर में लंबे समय से एक छोटा सा स्थान जैन संप्रदाय के लिए छोड़ा गया था। हम इस धर्म के पवित्र अवशेषों को यहाँ पर देख सकते हैं। यह किले का सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ कभी राजमहल हुआ करता था। 7 मंजिल ऊंचा था ये महल और आज कुछ दीवारें बची हैं। यदि किस्मत साथ हो और मौसम साफ हो तो मुड़कर देखने पर पूरी की पूरी धौलाधर श्रृंखला यहाँ से दिखाई देती है। स्थानीय निवासी इसे देवभूमि कहते हैं। इस जगह ने जो देखा है अगर वो ये भूमि बता सकती, इन दीवारों से उन यादों को कुरेद के निकाला जा सके तो न जाने कितने इतिहासों और दंत कथाओं का खुलासा हो जाएगा।